बहुत अच्छा बोलता है हमारा यह शिष्य। कहाँ गुरुदेव, मेरे जो दिल में आता है वही जुबान पर आ जाता है। सुना द्वारिका नाथ जी, आपकी जुबान पे कुछ और होता है और दिल में कुछ और। ढोंडिया, इस समय जो मेरे दिल में है वही जुबान पे है। क्या है आपके दिल में? कि तुम्हारी लाठी से धुलाई कर दूं। अरे भगवान, इस काम के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। अरे बड़ा आज्ञाकारी है, जब नाना वली आता है तो दुम दबा कर भाग जाता है। भगोड़ा डरपोक। साईं जी। गुरुदेव, तुमने जो भी बाहर बोला हम सभी ने सुना। ऐसा लगा कि ये साईं नहीं बोल रहा बल्कि हम सब अपनी ये दिल की आवाज सुन रहे हैं। सब आपकी कृपा है गुरुदेव। अरे गुरुदेव, अपने शिष्य की इतनी तारीफ मत कीजिए कि आपके सर पर बैठ के नाचे। जौहर बाबा, द्वारिका नाथ जी साई बाबा का कहना मानकर अंदर झाके हैं। मतलब? अरे मतलब क्या, ये जैसे हैं ऐसे ही इनको लोग दिखाई देते हैं। ए साई, ज्यादा दांत मत दिखा, अंदर जा, बहुत काम बाकी है, अपने गुरु के कुछ सेवा कर। जैसी आपकी आज्ञा द्वारिका नाथ जी। सुनो साई जी। गुरुदेव, आज मुझे शिरडी में जो प्रवचन देना है वो प्रवचन तैयार करो। दुनिया एक पागल खाना है, हम सभी इसमें पागल ही हैं। अगर हम पागल नहीं होंगे तो भी सारे पागल हमें पागल ही समझेंगे। हम समझेंगे कि पागलों का दिमाग नहीं है और पागल समझेंगे कि हमारा दिमाग खराब हुआ है। हम पागलों को सुधारने की कोशिश करेंगे और पागल हमें सुधारने की। हम एक पागल को सुधारेंगे तो उसी समय 10 पागल पागलखाने में भर्ती होंगे। वो हमें बिगाड़ने की कोशिश करते रहेंगे लेकिन हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, सब्र करना चाहिए, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए। क्योंकि हमें यह समझना चाहिए कि हम अब अकेले नहीं हैं। हम जिस पागल को सुधारते हैं वो फिर कई पागलों को सुधारते हुए हमारा साथ देने वाला है। कारवां बन जाएगा जिसकी यात्रा का उद्देश्य होगा मालिक के परम धाम को प्राप्त करना। मालिक तुम सबका कल्याण करे। हाँ तो साईं जी, अब तुम जाओ और मेरे कपड़े अच्छी तरह से धो डालो। जी, जी। जाओ। अच्छी तरह से धोना साईं। दीदी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आओ आओ ना, बैठो। बहुत खुश दिखाई दे रही हो, क्या बात है? कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं? हमारे रघुराम जी कहीं पिता तो नहीं बनने वाले? अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर खुशी का कारण? पिताजी ने मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाने की अनुमति दे दी है। अच्छा, तो माता पिता को देखने की और उनसे मिलने की खुशी छलक रही है चेहरे पर। दुनिया में कौन सी ऐसी लड़की होगी जो अपने माता पिता से मिलकर खुश नहीं होगी? यही खुशखबरी देने आई थी मैं आपको। अच्छा, तो अब मैं अपने कमरे में चलती हूँ, कहीं माँ जी ने देख लिया हम दोनों को एक साथ तो नाराज हो जाएंगी। हाँ। बहू, तुमने जानकी के मायके जाने की खुशखबरी तो सुन ही ली होगी? ढोंडिया, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? हैं? मैं पागल को देख रहा हूँ। पागल? कौन पागल? हैं? हैं? द्वारिका नाथ जी, आपको पागल नहीं दिखाई दे रहे? पागल?
और वो जीवा जी दूसरा पागल। एक दांत निकाल रहा है, एक कान फाड़ रहा है। जी साईं बाबा कहते हैं कि ये दुनिया पागलों से भरी है, यहाँ सब कोई पागल है। मुझे लगता है सारे पागल हमारे घर में ही आ गए हैं। सत्य वचन। अरे राम राम राम, तू मुझे क्यों ऐसा देख रहा है? है? आप देखने जैसी चीज थोड़ी हो, आप तो पागल नजर आ रहे हैं मुझे। नालायक कहीं के, अरे लाठी कहाँ है? है? अभी ठीक करता हूँ। क्या बोला? क्या हो रहा है वैद्य जी? अरे होना क्या है, जो होना था सो हो गया। मेरे वैद्य जी पागल हो गए, इनका पागलपन ठीक नहीं हो सकता, कोई गुंजाइश नहीं है। क्या कहा तूने? खराब ठीक है, मुझे ठीक बताओ, पागल लगता है। श्रवण दोस्त, पागलपन का जुनून हर किसी के सिर पर सवार होता है। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, यहाँ बैठकर सुनते हैं। चलो चलो चलो, बैठो बैठो। किसी गांव का एक राजा था। गांव में मेला लगा हुआ था। तब एक तंत्र मंत्र जानने वाला एक तांत्रिक उस गांव में आया। राजा ने उसका सम्मान नहीं किया। इससे क्रोधित होकर तांत्रिक ने गांव की नदी में जड़ी बूटी फेंकी और मंत्र फूंक कर कहा, जो भी इस नदी का पानी पिएगा पागल हो जाएगा। फिर क्या, गांव में तो सभी एक ही नदी का पानी पीते थे, दूसरा पानी था ही नहीं गांव में। सभी ने उस नदी का पानी पिया और सारे के सारे पागल हो गए। राजा अपने लिए गंगा जल मंगवाया करता था, इसलिए वो पागल नहीं हुआ। लेकिन गांव के लोग उसे पागल समझते थे। कहने लगे, हमें ऐसा पागल राजा नहीं चाहिए, हटा दो उसे, किसी दूसरे को राजा बना देते हैं। फिर क्या श्रवण दोस्त, राजा को उसके वजीर ने समझाया कि अगर उसने नदी का पानी नहीं पिया तो उसका सिंहासन खतरे में आ जाएगा। मजबूर होकर राजा ने उस नदी का पानी पिया। तब प्रजा ने सोचा, अब राजा पागल नहीं है। और जबकि हकीकत यह है कि नदी का पानी पीने के बाद राजा भी पागल हो गया था। फिर इसका मतलब यह है दोस्त कि हम समाज से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। प्रवाह के विरुद्ध हम हर कोई नहीं तैर सकता। प्रवाह का सामना करने की ताकत जिसके पास है वही प्रवाह के विरुद्ध तैर सकता है, वही किनारे तक जा सकता है। चक्रव्यूह तोड़ना है तो चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना ही होता है श्रवण दोस्त। चक्रव्यूह के बाहर रहकर हम चक्रव्यूह को तोड़ नहीं सकते। उसी तरह प्रश्नों से दूर रहकर हमें प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं। प्रश्नों का सामना करना ही पड़ता है और सामना करना ही चाहिए। दोस्त एक बात बताओ, क्या अचानक तुम जोहर बाबा के शिष्य कैसे बन गए? अब क्या वो भी तुम्हारी तरह पागल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जोहर बाबा के चक्रव्यूह में तुमने जानबूझकर प्रवेश किया? सबका मालिक एक। अरे जा रहे हो दोस्त? हाँ दोस्त, भिक्षा मांगने जा रहा हूँ। अब आज से मुझे अपना और अपने गुरुजी के भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोस्त तुम भी उस राजा की तरह लगते हो जो पागलों के साथ रहने के लिए खुद भी पागल बना था। Bye.